अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड। आज मैं आपको कीमा मैक्रोनी बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें अपनी डिलीशियस सी मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैक्रोनी के ले लिए थे, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था नमक और ऑयल डाल के, और स्टैंड कर लिया था। 5 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है इसको बॉयल करने का। कीमा ले लिया है मैंने 1/2 पाव। इसको मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून। 1 अदद टमाटर मैंने बारीक काट लिया है। वेजिटेबल्स मैंने स्लाइसिस में कट कर दी हैं, जिसमें है गाजर है 1 अदद, 1 अदद प्याज, शिमला मिर्च 2 अदद और श्रेडेड की हुई कैबेज है थोड़ी सी। और इसके अलावा ऑयल जाएगा 4 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स जाएंगे 1 टीस्पून, सॉसेजेस में जाएंगे सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर, ये 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा ब्लैक पेपर जाएगा 1 टेबल स्पून और सॉल्ट जाएगा 1.5 टीस्पून। आप चाहें तो स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर दिया है, इसमें मैं डाल दूंगी कीमा। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही मैंने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। दो से तीन मिनट के लिए हम इस तरह इसको फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी, ताकि कीमे का जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, इसके अलावा टमाटर डाल देंगे हम, मिक्स करेंगे और कवर करके हम रख देंगे 5 मिनट्स के लिए, ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल टेंडर हो जाए और कीमा हमारा बिल्कुल गल जाए, पानी भी हमारा ड्राई हो जाए। पाँच मिनट के बाद ये कीमा बिल्कुल गल गया है और टमाटर भी हमारे पक गए हैं, बिल्कुल टेंडर हो गए हैं, इसमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें डाल दूँगी सोया सॉस, सॉरी सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस। सॉसेजेस डालने के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गाजर, क्योंकि ये टाइम लेती है थोड़ा पकने में। बस 2 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है, बहुत ओवर कुक नहीं करेंगे हम। कैरेट हमारी कुक हो गई है, अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डाल देंगे। जस्ट मिक्स करना है हमें। इन वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। साथ ही मैं इसमें मैक्रोनी भी डाल दूंगी और हम इसको फिर रख देंगे, 2 मिनट का दम दे देंगे हम इसको। मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 मिनट का दम दे दूंगी और हमारी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। इन वेजिटेबल्स को हमें ओवर कुक नहीं करना। तो देखिए कितना नाइस कलर आया है इसका। मैंने सर्विंग बॉल में निकाल लिया है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और वेजिटेबल्स का कलर हरगिज़ फेड नहीं हुआ। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you.